अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। देखे जी, अभी जो है हम एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे और स्टडी रूम में बैठे हैं। जैसे कि मेरे साथ जो बैठा है वो मोबाइल में लगा हुआ है, पता नहीं कुछ सर्च कर रहा है, और साथ में दूसरा स्टूडेंट जो है देख रहे हो किताब किस तरह उसको जो है ना धचके दे रहा है, और साथ में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं हूँ और ये मेरे साथ भी मैं हूँ। अच्छा, केमिकल कांस्टेंट के बारे में थोड़ा बताओ, इसके जो सिनकोना के जो एक्टिंग कांस्टेंट है इसके बारे में थोड़ा बताओ। नहीं, ओरली बताओ, ओरली। देते वही अगते बगते और दखल को दिमाग पे खराब हो रहा है, दखल को दिमाग खराब किया। अच्छा, मैं बताता हूँ, ठीक है, मुझसे पूछो। बेलाडोना जो है ना, इसका कौन सा पार्ट यूज होता है? अच्छा, बेलाडोना के हमारे पास जो पार्ट यूज होता है वो लीव्स होता है। लीव्स जो बना चुका सोर्स क्या है? एट्रोपा बेलाडोना। ओके, गुड गुड, वेरी नाइस। हाँ, थैंक यू। ये बहुत मुश्किल है। खैर, प्रैक्टिस से हम सीख सकते हैं। या, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। चलो, और पूछता हूँ आपके बाद से, जो है ना हमारे पास जो टोबैको है, हाँ, उसका बायोलॉजिकल सोर्स बताओ। टोबैको के हमारे पास जो बायोलॉजिकल सोर्स है, निकोटियाना टोबैकम। वाओ, दैट्स द बॉय, माय बॉय। चलो, कम ऑन। और इसका जो है ना, मुझे अब इसका फैमिली बताओ। फैमिली निकोटीना के ना टोबैको के, टोबैको के सोलानेसी। वाओ, दैट्स गुड। इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है? केमिकल कांच निकोटीन के, आ निकोटीन, टोबैको के, टोबैको के निकोटीन, नॉन निकोटीन एंड इस पर हमारे पास, हम जब इसको इंटेक करते हैं तो ये हमारे पास क्या करते हैं, स्टिमुलेट करता है। इसके बाद डिप्रेसेंट काम है, फिर डिप्रेस करता है, और इसको हम एज एनर्जेटिक भी यूज करते हैं, और और क्या यूज है, एज ए स्पेक्ट्रम भी हम यूज करते हैं। हां हां, बिल्कुल। और इंसेक्टिसाइड्स भी है, रोडेंटिसाइड्स भी है, उसको भी किल करते हैं। ओके, गुड। एनर्जेटिक भी है। हेलो जी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज मैं इंटरनेट काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पर सारे जो है ना वाईफाई के लिए खड़े रश बनाए हुए हैं, तो मैं सिर्फ वीडियो बना रहा हूँ, बाकी ये लोग जो है ना फ्री वाईफाई को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे बात करते हैं। मुसनिफ भाई, क्या हाल चाल है? आप इधर क्यों खड़े हो? ओ यार, काट दो यार। नहीं, नहीं काटता। आप इधर क्यों खड़े हो? क्या क्या कर रहे हो? अच्छा, मैं तो नहीं जानता। वैसे आप इधर खड़े हो तो आप मुझे बता सकते हो आप इधर क्यों खड़े हो? नहीं बताओ यार। अच्छा, ऐसे पूछते हैं। मरवत भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप इधर क्यों खड़े हो? वाईफाई के लिए। वाईफाई के लिए काम कर रहा है कि नहीं? नहीं। अच्छा, थोड़ा कर रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा कर रहा है वाईफाई के लिए। अच्छा, वाईफाई के लिए क्यों खड़े हो? कौन सा आपके कराने चल रहे हैं? कराने तो नहीं चल रहे यार, आप तो बात नहीं करते यार। फिर मुझे मजबूरन कहना पड़ता है, कुछ कहना पड़ेगा। अच्छा, जानो के लिए वीडियो बेहतर है, ये बेहतर है। हेलो बेबी, आई मिस यू। हो गया आपका? बस फन यू पे गए, अच्छे नहीं गए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो अभी हम बस खाने के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये दोस्त सारे जो है ना आप लोग देख सकते हो, तो कुछ खाएंगे। सामने जो है ना छोटा सा दुकान है, उधर समोसे वगैरह खाएंगे, फिर थोड़ा गुजारा हो जाएगा। तो इसके अभी फ़िलहाल पेपर जो है ना उसके लिए टाइम है, लेकिन हमारा जो है ये हमारा जूनियर है शाहजेब, इसके भी पेपर हमसे थोड़े दो दिन पहले, और इसको हम प्यार से मोना बुलाते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, वो फिर नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को कभी बता दूंगा। लेकिन हमारा ये प्यारा सा मुन्ना भाई, इसको हम बहुत तंग करते हैं, प्यार से तंग करते हैं। ये आप लोग गोमर की व्यू चेक कर सकते हो। ये यहाँ पर ये छोटे छोटे अनार है, बल्कि हम इसको पश्तो में वड़ी कोड़ी के अनार भी कहते हैं। तो अभी हम बस जा रहे हैं, सामने जो आप लोगों को दुकान नज़र आ रहा है ना, सीधा वो उधर जाएंगे, वहाँ पर समोसे मिलते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त चाट वगैरह मिलता है। तो हम समोसा चाट खाएंगे, और आप लोग भी हमारे साथ देखते रहिए और थोड़ा बहुत जूस भी मारते रहिए, क्योंकि आप लोग को तो हम खिला तो नहीं सकते, लेकिन आप लोग अगर हमारे साथ देखोगे तो आपके मुँह में पानी ज़रूर आएगा। यहाँ पर समोसे है, और ये छोले भी है, और यहाँ पर
चटनी भी जो है ना यहाँ पर भी मौजूद है, तो मैं समोसे पहले उठाता हूँ। ठीक है, तीन समोसे मेरे ख्याल से काफ़ी है, बल्कि अब कितने खाते आप लोग? मैं तो तीन खाने वाला हूँ, बस तीन काफ़ी यार, फिर ज़्यादा खाएंगे तो फिर बहुत लोड बनाता है। चटनी और थोड़े जो है ना, हाँ डालो डालो, यहाँ पर चाट बन रहा है आप लोग देख सकते हो, बस इतना काफ़ी है। तो मैं इधर बैठता हूँ, ठीक है, आप लोग भी ना अपने लिए चेयर जो है ना इधर रख लो। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, ठीक है, बिस्मिल्लाह करते हैं। और यहाँ पर आप लोग चाट देख सकते हो, आलमोस्ट मैं इसको ख़त्म कर चुका हूँ, लेकिन थोड़ा सा रहता है। और ये दोस्त जो है बस लगी हुई है, कह रहे मुन्ना भाई इसका टेस्ट कैसा है बताओ, व्यूअर्स को बताओ, थोड़ा ऊंचा बोलो यार। मुन्ना भाई आप बताओ ना, ये तो पता नहीं शर्मा रहा है। अच्छा फर्स्ट में बताओ टेस्ट के बारे में, फिर खोख लगी। शजीब भाई तोड़ तो हुआ है क्या ना? بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ السلام علیکم۔ وہ فی الحال مطلب کہہ رہا ہے اس لیے کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن آپ لوگوں سے اگر میں بتاؤں کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، بہت مزیدار ٹیسٹ ہے، کبھی کبھی آؤ ہمارے علاقے میں تاکہ آپ لوگوں کو بھی ٹیسٹ کروائے، صحیح ہے؟ تب تک کے لیے صبر کرو، حوصلہ رکھو۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ منا بھائی جب فرسٹ ٹائم کسی لڑکی پہ مطلب उसका वो स्टार्ट हुआ था ना, कहानी स्टार्ट हुई थी, तो मुन्ना ने जो है ना अपनी लवर को एक शेर ले गया था छुट्टी में। तो मुन्ना साहब से अर्ज करते हैं, मुन्ना आपने वो कौन सा शेर ले गया था? मुझे याद नहीं आ रहा ना, बताओ ना। पानी चाहिए आपको? चलो ये पानी लो और पानी पियो, फिर बताओ, ठीक है? जल्दी करो, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना आपको देख रहे हैं, मुंतजर है। अच्छा, इसने अपने लवर को ये शेर ले गया था कि परों को गोल समाना उड़ान देखता है। दूसरा मिसरा आप बताओ, जल्दी करो। मुझे नहीं आता। तो फिर तुझे क्या आता है यार? गजब बेइज्जती है। और इधर हमारा फाइनेंस भाई जो है ना, सारे पैसे मतलब दोस्तों के पैसे खुद देगा। ये हमारा फाइनेंस साहब है। हम जो भी चीज़ खाते हैं, जो भी चीज़ लेते हैं, तो बस ये सारा खर्चा खुद जो है ना पे करता है। अभी सारे पैसे ये खुद देगा। तो वी आर वेरी थैंकफुल सुदेव भाई कि आपने सारे पैसे जो है ना हमारे जो है ना पेमेंट कर दिए अपने। तो एनी हाउ थैंक्स। आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत जो है ना गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की ब्यूटी दिखाता हूँ। ये भी एक डिपार्टमेंट है, आई थिंक डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड साइंस का है। और ये ब्यूटी आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह। गवर्नमेंट में सिर्फ जो ब्यूटी है ना ये प्लांट्स की वजह से, प्लांट्स बहुत ज़्यादा है। और ग्रीनरी जो है ना आप लोग देख सकते हो, ये इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चलो ये वगैरह बहुत ज़्यादा है। क्या बोला तूने? ये वगैरह बहुत ज़्यादा है, इसका नाम मुझे मतलब अभी मैं भूल गया हूँ, मेरे जहन में ना इसका नाम नहीं आ रहा। वैसे भी आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो माशाल्लाह, प्लांट्स बहुत ज़्यादा है और ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी पुरसकून माहौल होता है। और हम जो है ना बहुत कंफर्ट फील करते हैं और बहुत जो है ना अच्छा नज़ारा देखने को मिलता है। तो बस अभी हम बस जा रहे हैं हॉस्टल। A few moments later. Hello, assalamualaikum. Welcome to my vlog. जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुल्क की हालात ठीक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी दोस्त ने नोटिफिकेशन हुआ है कि आप लोग जो है ना जितना जल्दी हो सके अपने हाथ से हाल ही कर लो। तो हम जो है ना दोबारा जो है अपने बैग्स वगैरह हम लोगों ने पैकिंग कर लिए और अभी हम फिर से अपने घर जो है जा रहे हैं। और अपने मुल्क के लिए हम दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला जल्द से अपने हमारे मुल्क के जो है ना हालात है अल्लाह ताला उसको ठीक करे। और बाकी यूनिवर्सिटी जो है वो क्लोज है और फिर नोटिफिकेशन आएगा कि जितनी भी इदारे जब ओपन होंगे उसके मुताबिक फिर जो है ना हमारी भी छुट्टियाँ खोलेंगे और खुलेगी। और इसके बाद एक हफ़्ते बाद जो है ना पेपर्स के लिए नोटिफिकेशन आएगा। तो अभी हम फिर से जा रहे हैं, ये गाड़ी जो है ना हम लोगों ने इसको बुक किया है ऑलरेडी। तो अभी हम बस जा रहे हैं, सारे दोस्त जो है बस बैग वगैरह तैयार हो चुके हैं और अभी हम बस जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर हम थोड़ा स्टे करेंगे और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो अभी हम बस कुछ ठंडे पीने वाले ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए। देखिए भाई लोग, आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने काफ़ी फासला तय किया है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। तो दोस्तों ने समोसे उठाए हैं और ये स्टैंग भी उठाई है।
एक भाई जो है लगा हुआ है इसको, मतलब वेट नहीं हो रहा हमसे, उससे तो हम भी स्टार्ट करने वाले ठीक है। एक 2000 years later तो यहाँ पर अब नमाज पढ़ेंगे सारे दोस्त जो है वो वुजू बना रहे हैं। तो मैं भी वो जो बना रहा हूँ ठीक है, फिर उन्होंने मास्क पढ़ेंगे। हमारे एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं तो अभी मैं घर आ चुका हूँ, क्योंकि मुल्क की हालात ठीक नहीं थे जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी क्लोज हो गई, तो अभी मैं घर में स्टडी कर रहा था। और ये बार बार जो है ना तंग करती है और घर में घुस जाती है, ये प्लांट्स वगैरह जो है ना पौधे वगैरह इसको कहते हैं, क्योंकि हर्बीवर्स में आते हैं ना कि जितनी भी मतलब ग्रीन प्लांट्स वगैरह इसको कहते हैं। तो इसमें मेरी मतलब आप लोग क्या कहते हो, इसको भी मैंने बांधा है इधर क्योंकि सबक के लिए नहीं छोड़ती इधर, हम लोगों ने प्लांट्स पढ़ते और काफ़ी मुश्किल प्लांट्स है, इसको याद करना इसमें मतलब बहुत काम है। तो अभी इसको मैंने इस तरह किया है कि इसको बांधा है, ये हर वक्त मुझे डिस्टर्ब करती है, ख़ुद तो फारिग बैठी है, कभी क्या करती कभी क्या करती है। अब वाली क्या करते हो, क्यों मेरा दिमाग खाते हो हर वक्त, हाँ इधर इधर इसने मेरा दिमाग ख़राब किया और आप इधर मुझे भी तंग करती हो, टाइम सारा मेरा ज़ाया करती हो आप। अब तेरे साथ में क्या करूँ, अब मुझे खुद बताओ। या तो मैं इस तरह करूँगा कि आपके लिए मैं वो जो घास मिलता है ना बाज़ार में वो आपके लिए लेके आऊँगा इधर, पेड़ आप लगे रहो, वैसे भी आपका जो है ना पेड़ नहीं बढ़ता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, सुबह से शाम तक आप कहती रहती हो कहती रहती हो कहती रहती हो, लेकिन फिर भी आप जो है ना अपने मुँह को वो नहीं करते, इस तरह बस क्या कहते हो उसको, अब दोबारा वो करो मैं करो क्या क्या है तुम्हारा मसला क्या है, ना मुझे खुद पढ़ाई के लिए छोड़ते और ना खुद वैसे भी आप स्टडी नहीं करते अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।